हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीए न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर है समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। कोरोना की धार कुंद, तीन दिन में कोई मौत नहीं। 250 मरीज के डरावने रिकॉर्ड से न्यूनतम संख्या 7 पर पहुंची। पॉजिटिव भी 2, लेकिन जरूरत संभल कर कदम आगे बढ़ाने की। बाढ़ की धार का घटना जारी, धीरे धीरे कम रही नदी, तबाही बरकरार। और चिर प्रतीक्षित दोनार टिन्ही पुल नाला निर्माण, दोनार गुमती से बनना हुआ प्रारंभ। प्रशासन की चेतावनी पर संवेदक ने शुरू किया काम, समाज के लोगों ने भी किया सहयोग। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज, इंतजार किसका? जाएं सर्राफ ऑर्थो स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ रीढ़ हड्डी नस रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। एक बार चार्ज करें 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन, ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। Easy finance available. हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार आवास पढ़ा रहे युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरिया सराय, दरभंगा। और अब समाचार विस्तार के साथ। बात पहले कोरोना की करते हैं। कोरोना से सुकून वाली खबर ये कि अब कोरोना वार्ड में मरीज की संख्या 7 हो गई है। हालांकि 4 तक गई थी मरीज की संख्या। और सबसे बड़ी बात ये कि 3 दिनों से एक मौत भी नहीं हुई है। पॉजिटिव की संख्या भी 2 है, लेकिन लक्ष्य शून्य का है। मालूम रहे कि 5 मई के आसपास 250 संक्रमित मरीज कोरोना वार्ड में भर्ती थे और यह न्यूनतम घटकर 4, वर्तमान में 7 है, लेकिन लक्ष्य शून्य का। 2 पॉजिटिव ये न्यूनतम स्थिति पर पहुंचा है, लेकिन जब तक ये एक ऐसी बीमारी की शून्य नहीं हो तो 1 से 11 और 11 से 111 होने में वक्त नहीं लगता। 5 मई के आसपास जब 2 दर्जन मौत एक साथ हुई तो हड़कंप मच गया था। और स्थिति अब ये कि 3 दिन से एक भी मौत नहीं हुई, लेकिन जरूरत है कि ये जो नियंत्रण है उसे बनाए रखने की। जब तक वैक्सीनेशन पूरा नहीं हो जाता, मास्क लगाए रहने की, सोशल डिस्टेंस बनाए रहने की। सुकून वाली खबर कोरोना को लेकर। कोरोना की धार कुंद हो रही है। और अगर गुरुवार की बात करें तो 7 संक्रमित मरीज कोरोना वार्ड में भर्ती है। 7 कम इसलिए बोलना पड़ रहा है कि 5 मई के आसपास 250 मरीज थे सिर्फ कोरोना वार्ड में, जबकि निजी अस्पताल भी भरे पड़े थे। ऐसी परिस्थिति में धीरे धीरे कोरोना कंट्रोल हो रहा है। हालांकि बीच बीच में वो अपनी उपस्थिति भी देकर लगातार सख्ते में लोगों को डाल रहा है। रविवार के रात से लेकर सोमवार के 20 घंटे में 3 संक्रमित मरीज ने दम तोड़ दिया। लेकिन सुकून ये कि सोमवार के बाद मंगल, बुध और बृहस्पति 3 दिनों में एक भी मौत नहीं हुई है। हालांकि 4 की संख्या हो गई थी जो संक्रमित भर्ती थे, लेकिन पुनः 2 दिन पहले 3 मरीज के आने के बाद अब वर्तमान में 7 संक्रमित मरीज कोरोना वार्ड में कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। पॉजिटिव की संख्या भी न्यूनतम 2 आ गई है, जो 350 के पार हो गया था।
ऐसी परिस्थिति में कोरोना कंट्रोल में तो दिख रहा है, लेकिन जब तक लक्ष्य शून्य नहीं होगा, ये 1 से 11 और 11 से 111 हो जाता है। यही इसका सबसे घातक जो प्रमाण है कि कोरोना धीरे धीरे एक दूसरे से पटता है, और ऐसी परिस्थिति में लक्ष्य शून्य का तभी हम कह सकते हैं कि कोरोना से जंग हम जीत सकते हैं। बहरहाल जब तक वैक्सीनेशन नहीं हो जाता तब तक कोरोना से इसी तरह बचना होगा, धीरे धीरे जिंदगी की गाड़ी पटरी पर लानी होगी और तभी आगे बढ़ना होगा, अन्यथा सतर्कता गई दुर्घटना गई। दूसरी लहर ने हमें बता दिया है कि अब फूक फूक कर कदम नहीं रखेंगे तो तीसरी लहर आएगी तो एक और भारी तबाही जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। बहरहाल तैयारी पूरी, लेकिन उसी तरह लापरवाही और बेपरवाही ने हमें दूसरे लहर में झोंक दिया, तीसरा लहर ना आए ये सबकी जिम्मेवारी। अब बात करते हैं वैक्सीन की, टीकाकरण अभियान। जी हां, कोविशील्ड वैक्सीन के लिए तो लगातार अभियान चल रहा था। कोवैक्सीन अभियान शहर में आधा दर्जन जगहों पर और सभी प्रखंडों में दिया गया। हालांकि ये थोड़ी देर दिन के बाद आई, इसके लिए भीड़ लगी रही और एक अच्छा संकेत कि चौतरफा लोग आ रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए। एक दिन के ब्रेक के बाद कोविशील्ड नहीं कोवैक्सीन का प्रोग्राम बना और सभी प्रखंडों में और शहर के आधा दर्जन केंद्रों पर टीकाकरण अभियान। कोवैक्सीन का पहला और दूसरा डोज और अच्छी खासी संख्या में भीड़ उमड़ी, चौतरफा भीड़, ये एक अच्छा संकेत कि वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक हैं लोग। लेकिन ये निरंतरता बनाए रखने की जरूरत, सरकार बीच बीच में भले ब्रेक ले ले लेकिन वैक्सीनेशन की उपलब्धता हो रही है। 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक 6 करोड़ लोगों को 6 माह में वैक्सीनेट करने का जो लक्ष्य है उसमें अभी 22 दिन ही गुजरा है, लेकिन 22 दिन में 15 दिन वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला जो औसतन अच्छा माना जा सकता है। बहरहाल चौतरफा भीड़, अब दूसरे डोज लेने वाले की संख्या बढ़ रही है और ये सुकून वाली खबर है। जब तक वैक्सीनेशन पूरा नहीं हो जाता, जिंदगी के इस जंग में, कोरोना से इस जंग में जीत हासिल नहीं की जा सकती, और जंग तभी जीती जा सकती है जब वैक्सीनेशन पूर्ण हो। बहरहाल संभल संभल कर जिंदगी की गाड़ी पटरी पर लाने की कोशिश, जंग जीतने की कोशिश। बाढ़ की धार लगातार कम हो रही है और कुंद हो रही है, ये अच्छी खबर, सुकून वाली खबर। एक पखवाड़ा से नदी का घटना जारी है, 8 तारीख के आसपास ये चरम पर था। हालांकि उस समय भी 2 से 2.5 फीट नीचे नदी थी अगर 2020 की तुलना करें, लेकिन लगातार सतर्कता
और सतर्कता गई दुर्घटना हुई। एक दिन अगर सोमवार की बात छोड़ दे, झमाझम बारिश के बाद नदी ने स्थिर का रुख अपना लिया था, लेकिन धीरे धीरे प्रतिदिन 1 से 2 इंच नदी घट रही है। हालांकि आफत बरकरार है, क्योंकि जहां से पानी निकल रहा है वहां सरांद और बदबू छोड़कर तबाही दिख रही है। और ऐसी परिस्थिति में शहर पर दबाव भले ही कम हुआ, लेकिन शहरी इस इलाके में जिन नीचे हिस्से में पानी चला गया था वहां काई और गंदगी पसरा है। जिस गांव में पानी चला गया वहां तबाही साफ दिख रही है। और ऐसी परिस्थिति में नदी धीरे धीरे घट तो रही है, तबाही भी धीरे धीरे कम होगी। और उसके लिए प्रशासनिक, सरकारी और अपना एक मशक्कत अभियान चलाना होगा, तभी जिंदगी की गाड़ी धीरे धीरे पटरी पर आएगी। बहरहाल सावन बाकी है, भादो बाकी है, नदी घटना अभी भले शुरू हुआ, लेकिन इतिहास बताता है कि मिथिलांचल में बाढ़ की धार दुर्गा पूजा तक लगातार आती रही है, डराता रहा है। ये किस समय आ जाए, और इस बार मई महीने में ही यह तूफान के बाद इलाका जलमग्न है। ऐसे में कुशेश्वर स्थान की बात छोड़ दें, केवटी सदर हनुमान नगर तक का इलाका प्रभावित है। शहर के कई आधे दर्जन से अधिक वार्डों में निचले हिस्से में पानी आ गया था। हालांकि शहर को बाढ़ प्रभावित घोषित नहीं किया गया। जिला पदाधिकारी के अनुसार जहां 5 से 6 दिन पानी रहेगा और चारों ओर से घिरा रहेगा, तभी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। लेकिन पानी 1-2 दिन रहकर धीरे धीरे घटना शुरू हुआ और अंततः बाढ़ प्रभावित घोषित नहीं हुआ। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में राहत कार्य तेज हुआ, 7,13,000 लोगों को सामुदायिक किचन में भोजन कराया जा रहा है। जिला प्रशासन ये ने यह सूचना दी। बाकी अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना की धार कुंद, 3 दिन में कोई मौत नहीं, 250 मरीज के डरावने रिकॉर्ड से न्यूनतम संख्या 7 पर पहुंची। पॉजिटिव भी 2, लेकिन जरूरत संभल कर कदम आगे बढ़ाने की। बाढ़ की धार का घटना जारी, धीरे धीरे कम रही नदी, तबाही बरकरार। और चिर प्रतीक्षित दोनार टिन्ही पुल नाला निर्माण, दोनार गुमती से बनना हुआ प्रारंभ। प्रशासन की चेतावनी पर संवेदक ने शुरू किया काम, समाज के लोगों ने भी किया सहयोग। मंत्री मद्देनिषेध उत्पाद और निबंधन ने समीक्षा की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दरभंगा, जी हां, जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम और एसएसपी बाबू राम ने यहां के संदर्भ में जानकारी दी कि किस तरह प्रशासन कार्य कर रहा है। सरकार की प्राथमिकता मद्य निषेध एक अहम जरूरत, और उसी को लेकर मद्य निषेध उत्पाद निबंधन मंत्री सुनील कुमार की अध्यक्षता में अपर मुख्य सचिव गृह चैतन्य प्रसाद, पुलिस महानिदेशक एसके सिंघल, उत्पाद आयुक्त बीबी कार्तिकेय और पुलिस महानिदेशक मद्य निषेध, सभी प्रमंडलीय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, सभी डीआईजी, सभी डीएम और सभी एसपी के साथ वर्चुअल मीटिंग की गई। दरभंगा के बारे में जानकारी दी गई। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम और एसएसपी बाबू राम ने यहाँ की गई कार्रवाई से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि निकट में ही पंचायत चुनाव है, जिसमें अवैध रुपये और अवैध शराब वितरण की संभावना रहती है, इसकी भी तैयारी कर ली गई है, कार्रवाई कैसे की जाए। उत्पाद आयुक्त ने कहा कि पिछले 5 वर्षों की कार्रवाई के आधार पर हर जिले को एक डाटाबेस बनाने की जरूरत है, उसके आधार पर जो हॉट स्पॉट है वहाँ लगातार छापेमारी की जाए।
और बात करते हैं टिन ही पुल दो नाला निर्माण की। जी हाँ, 2014 से तीन बार शिलान्यास के बाद अंततः जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम के निर्देश पर तीन दिन पहले नगर आयुक्त मनीष कुमार मीना ने बैठक की और आखिरी चेतावनी संवेदक को दिया और यह रंग लाया। जी हाँ, गुरुवार की सुबह अंततः दोनार रेलवे गुमती के पास से नाला निर्माण प्रारंभ हुआ और सहयोग किया स्थानीय लोगों ने। युवाओं ने 12 अगस्त से अनिश्चितकाल के लिए नाला न बनने पर सड़क जाम की चेतावनी दी थी और सकारात्मक सहयोग दिखाकर एक राजनीति से अलग हटकर विकास की बात कर करके युवाओं ने उस बंद को वापस ले लिया और परस्पर सहयोग का आश्वासन ही नहीं दिया, आश्वासन सहयोग करते देखे भी गए। स्थानीय सभी लोगों ने एकजुट होकर कहा कि विकास प्राथमिकता है, नाला निर्माण इसी तरह गति पकड़े और अगले मार्च तक ये पूर्ण हो, ये लक्ष्य रखना चाहिए और इस संदर्भ में जो बाधाएं आती है प्रशासन के साथ मिलकर उसका समाधान करेंगे। हालांकि कई जगह विरोध के बावजूद प्रशासन अडिग है कि जो नियम कानून कायदा है और जनहित की समस्या को देखते हुए ये नाला निर्माण तीव्र गति से किया जाए, अन्यथा संवेदक को आखिरी बार चेतावनी देकर प्राथमिकी दर्ज करने की बात अनुमंडल पदाधिकारी सदल ने कही। दोनार टिन्ही पुल तक नाला निर्माण 7 वर्षों से चिर प्रतीक्षित यह नाला निर्माण बीच में 2 जगह तो बना, लेकिन जल निकासी के लिए जो बनना था उसका कोई ध्येय लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। अंततः यहां के स्थानीय लोगों ने 1 सप्ताह पहले प्रशासन और सरकार को चेतावनी दी कि ऐसे नहीं चलेगा, राजनीति बहुत हो चुकी, 3 बार शिलान्यास हो चुका, सब्ज बाग दिखाए गए, राजनीति की धार में कितने आगे बढ़ते चले गए, कोई विधायक बन गए, कोई सांसद बन गए, लेकिन टिन्ही पुल नाला निर्माण नहीं हुआ और गांधीनगर कटरहिया क्या आसपास का इलाका लगातार सूखे में भी डूबता रहा। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने इस चेतावनी को सकारात्मक रूप में गंभीरता से लिया। उन्होंने तुरंत नगर आयुक्त मनीष कुमार मीना को इस संदर्भ में युवाओं से बात करने की कही। कुछ बुद्धिजीवियों और पार्षदों को बुलाकर एक बैठक हुई। 3 दिन पहले संवेदक की आनाकानी पर अनुमंडल पदाधिकारी सदल ने सीधे लफ्जों में चेतावनी दी कि कोताही नहीं बरती जाएगी, 6 करोड़ रुपया से ऊपर का भुगतान हो चुका है और ऐसे में नाला से एक छटाक पानी नहीं निकल रहा है, दोनार की ओर से आप नाला निर्माण लेबुल लेकर के करें और समय पर इसे पूरा करें। इस संदर्भ में कई बाधा बताने के बाद गुरुवार की सुबह दोनार के पास स्थानीय समाज के लोगों के साथ संवेदक और अभियंताओं की बैठक हुई। समाज के लोगों ने पूरा सहयोग दिया। संवेदक जो आनाकानी कर रहे थे, कहीं मंदिर कहीं अवरोधक बता रहे थे, इसका समाधान निकाल लिया गया। पार्षद अमोला महतो की अध्यक्षता में निकटतम प्रतिद्वंदी रामचंद्र चौधरी और पूर्व पार्षद प्रदीप गुप्ता सहित नगर निगम के अभियंता अमीन और बुडको के अभियंता भी शामिल हुए। समाज के 1 दर्जन लोगों की उपस्थिति में यह तय हुआ कि नाला निर्माण जो नियमता है एक समान किया जाएगा और मंदिर की वैकल्पिक व्यवस्था पर भी चर्चा हुई और इसका भी निदान ढूंढ लिया गया। और 2 घंटे मीटिंग बैठक के बाद अंततः कुछ लोगों के विरोध के बाद एक मत हुए लोग और नाला निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। चिर प्रतीक्षित ये मांग जो राजनीति से हटकर यहाँ के युवाओं ने जिसका बिगुल फूका और उसका काम दिखना शुरू हुआ। राजनीति भले ही कोई पार्टी हो, उससे अलग हटकर त्रस्त लोग जो लगातार जल जमाव से त्रस्त हैं, चाहे वह कबीरचक हो, सदर थाना हो, भैलूचक हो, दोनार हो, गांधीनगर हो, कटरहिया हो, दिलावरपुर हो, यहाँ लगातार 100 फीट से चौड़ी सड़कों पर भी जल जमाव लगा रहता है। और गांधीनगर कटरहिया सदर की बात छोड़ ही दें, वहां तो लगातार 12 महीने में 9 महीने तक पानी रहता है। ऐसी परिस्थिति में ये नाला ही एकमात्र निदान है जिसके निर्माण के लिए युवाओं ने बिगुल फूका और एक आम जनता की आवाज़ पर जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने संज्ञान लेकर सकारात्मक रुख दिखाया और उसके अच्छे परिणाम दिखने शुरू हो गए। बहरहाल इसमें प्राप्ति लक्ष्य तभी हो
हो सकती है जब एकजुटता बनी रहे और सकारात्मक सहयोग प्रशासन को भी मिलता रहे, प्रशासन भी नियमानुकूल कार्रवाई करता रहे और ऐसा दिख रहा है सब कुछ ठीक ठाक रहा तो इस साल के अंत तक नाला टिन्ही पुल तक पहुंच जाए तो आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि राजनीति से हटकर यहाँ के युवाओं ने इसका बीड़ा उठाया है और सहयोग जब सकारात्मक मिल रहा है तो अंजाम अच्छा ही होगा। 7 साल से चली आ रही ये गाड़ी बिन राजनीति की सवारी युवाओं के कंधे पर किस कदर आगे बढ़ती है ये वक्त ही बताएगा, जो राजनीति को नई दिशा दे तो आश्चर्य नहीं होगा। बैठक की अध्यक्षता पार्षद 17 नंबर वार्ड के अमोला महतो ने की। रामचंद्र चौधरी जो निकटतम प्रतिद्वंदी हैं, उसके बाद प्रदीप गुप्ता जो पूर्व पार्षद हैं, बुडको के कनीय अभियंता सुनील सिंह और संवेदक राम नरेश राय के अलावा नगर निगम के अभियंता अनिल चौधरी, अमीन नंदन, उसके बाद जो स्थानीय निवासी हैं वे शैलेंद्र कुमार, मनोज मंडल, प्रवीण बबलू, अमन सक्सेना, विकास कुमार, बाबुल राज, उपेंद्र कुमार, संजय ठाकुर के अलावे स्थानीय लोगों में पवन चौधरी, अशोक दास और भुवनेश्वर प्रसाद गुप्ता, नंद किशोर चौधरी और जिला शांति समिति के कुछ सदस्य भी शामिल हुए। कथित राष्ट्र विरोधी मोदी सरकार ने जासूसी के नाम पर संवेदनशील डाटा अन्य देश को सौंप दिया है और इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका गया। केंद्र सरकार पर जासूसी का आरोप लगाने और उसकी जांच कराने, गद्दी छोड़ने की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध और फूंका गया पुतला। विपक्ष के नेताओं पका जासूसी करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, पकना बंद करो, बंद करो, बंद करो। भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के आह्वान पर माननीय प्रधानमंत्री जी का पुतला दहन करके आज हम लोग उनकी कड़ी निंदा करते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज इन्होंने देश में जो ये संप्रभुता, देश में जो ये जीने का जो अधिकार है उसको छीनने का ये काम किए हैं। भारत सरकार इस देश के विपक्ष के नेताओं के साथ, इस देश के जो बड़े पत्रकार हैं या हमारे पत्रकार साथी हैं या जज हैं, इन सभी लोगों का जो है जासूसी करने का काम किया है। और असंवैधानिक तरीके से सत्ता में बैठे हुए लोग, देश के राहुल गांधी जी हो या बड़े पत्रकार हो, जिनका जासूसी कराने का नियत क्या था, इनकी सोच क्या थी, इनका एक सोच था कि ये जो बड़े लोग हैं, जो विपक्ष के मजबूत नेता हैं, जो सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं, या इस देश के जो पत्रकार सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद, सरकार के खिलाफ नहीं, सरकार के गलत नीतियों को उजागर कर रहे हैं, या इस देश के जज जो बिहार राज्य वजीका विकास परिषद के 26वें स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया सुंदरपुर में, इस अवसर पर एक पुस्तक का भी लोकार्पण किया। बिहार राज्य वजीका विकास परिषद की 26वें स्थापना दिवस समारोह का आयोजन कोविड-19 का पालन करते हुए हुआ। आशीर्वाद काल कालेगंज मोहल्ला सुंदरपुर दरभंगा में डॉक्टर बिंदवासनी सिंह की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम का आयोजन हुआ गया। इस अवसर पर पुस्तकों का लोकार्पण, वजीका साहित्य के संरक्षण संवर्धन हेतु विचार गोष्ठी का भी आयोजन हुआ। वजीका नाटक बढ़िया वाली का लोकार्पण करते हुए महापौर बैजंती देवी खेड़िया ने कहा कि वजीका मधुर एवं अति प्राचीन भाषा है, इसके संरक्षण एवं संवर्धन की जरूरत है। मुख्य अतिथि वजीकांचल विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र राकेश इस वक्त उपस्थित थे। विचार गोष्ठी में डॉक्टर सुरेंद्र गाई, अखिलेश कुमार चौधरी, रामाशंकर सहनी, राजेंद्र प्रसाद, दीपक कुमार सिन्हा, सुनीता सिंह, अरुण कुमार वर्मा, शत्रुघ्न प्रसाद नारद, वज्जिका परिषद के दरभंगा जिला अध्यक्ष विनोद कुमार सिंह आदि प्रमुख थे। स्वागत प्रतिवेदन डॉक्टर ओंकार प्रसाद सिंह ने किया। आदमी स्थापना तो बहुत कर देता है लेकिन वो संचालन, वो हर साल उसको उसी दिन प्रक्रिया में लाकर काम करना एक बहुत कठिन होता है। आप लोगों ने इस नियम को आगे बढ़ाने का जो बिल्ला उठा रखे हैं वे भगवान की बहुत बड़ी कृपा है और आपके पूर्वजों की आपको ये आशीर्वाद है, इसीलिए आज आप आगे बढ़ रहे हैं।
आज एक किताब का विमोचन भी है, जैसे मेरे को मालूम हुआ है। इसका मतलब है कि आप इस लगन में लगे हुए हैं कि किस तरह भी जो संस्कृतियां भूल गई हैं वो वापस जागृत हो जाए। कोरोना की धार कुंद, तीन दिन में कोई मौत नहीं, पौने 200 मरीज के डरावने रिकॉर्ड से न्यूनतम संख्या 7 पर पहुंची, पॉजिटिव भी 2, लेकिन जरूरत संभल कर कदम आगे बढ़ाने की। बाढ़ की धार का घटना जारी, धीरे धीरे कम रही नदी, तबाही बरकरार, और चिर प्रतीक्षित दोनार टिन्ही पुल नाला निर्माण दोनार गुमती से बनना हुआ प्रारंभ। प्रशासन की चेतावनी पर संवेदक ने शुरू किया काम, समाज के लोगों ने भी किया सहयोग। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन इस कोरोना काल में आप अपना बहुत ख्याल रखिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, 2 गज की दूरी अपनाइए, और अहर्ता रखते हैं वैक्सीन लग रहा है तो जरूर लगाइए, कोरोना गया नहीं है, इससे बच के रहना। नमस्कार, जय हिंद।